27 अगस्त से यूएई में एशिया कप का आगाज होने जा रहा है, लेकिन सबकी निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को दुबई में खेले जाने वाले सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं। एक तरफ रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया है, जो 2021 T20I वर्ल्ड कप की करारी हार का बदला लेने मैदान पर उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 वाली फॉर्म को दोहराना चाहेगी। लेकिन आज हम आंकड़ों के हिसाब से बताएंगे कि एशिया कप में असली बाजीगर कौन बनेगा। आपको बता दें कि एशिया कप में भारतीय टीम सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंची है। टीम इंडिया ने कुल 10 बार फाइनल में प्रवेश किया है। इसके साथ ही भारत ने ही सबसे अधिक 7 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि 3 बार उपविजेता रहा। वहीं श्रीलंका ने 5 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, जबकि 6 बार फाइनल में प्रवेश किया। पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप जीता है और 2 ही बार उपविजेता रहा। गौरतलब है कि बांग्लादेश 1 भी बार एशिया कप नहीं जीता। हालांकि बांग्लादेश ने 3 बार फाइनल में जगह बनाई है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 15 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 14 एक दिवसीय और 1 T20I मैच भी शामिल है। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को 8 बार एशिया कप में हराया है। वहीं पाकिस्तान सिर्फ 5 बार भारत को मात दे पाया है, जबकि 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। एशिया कप T20I मुकाबले में ये दोनों टीम आखिरी बार 2016 में भिड़ी थी, जहां पाकिस्तान की पूरी पारी सिर्फ 83 रन पर सिमट गई थी और भारत ने 27 गेंद शेष रहते ये मैच 5 विकेट से जीत लिया था। यानी आंकड़ों के हिसाब से तस्वीर साफ है कि भारत का पलड़ा एशिया कप में पाकिस्तान के सामने काफी भारी दिखाई पड़ता है। पर भारत को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के सामने संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का विकेट जल्दी चटकाना होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के बीच इस एशिया कप में सिर्फ 1 मैच नहीं बल्कि 3 मैच देखने को मिल सकते हैं। इस एशिया कप में मुख्य टूर्नामेंट में 6 टीमों को 3-3 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है। संयोग से भारत और पाकिस्तान एक साथ ग्रुप ए में है और इस ग्रुप की तीसरी टीम का फैसला क्वालिफायर से होगा। ये यूएई, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग में से कोई भी टीम हो सकती है। अब इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्वालिफायर टीम पर भारी पड़ेंगे। सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान आपस में ग्रुप राउंड वाला मैच 28 अगस्त को खेलेंगे, पर सच ये है कि ये दोनों दिग्गज टीमें एशिया कप में कम से कम 2 बार तो आपस में खेलेंगी ही। इस टूर्नामेंट में ग्रुप राउंड के बाद सुपर 4 राउंड है और ये लगभग तय है कि 4 सितंबर को ग्रुप ए की दोनों टॉप टीम के बीच वास्तव में भारत पाकिस्तान का मैच होगा। अगर दोनों टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला तो बहुत संभव है कि इस हाई वोल्टेज मैच की गिनती 3 हो जाए। ये एशिया कप का फाइनल होगा जो सुपर 4 राउंड की टॉप 2 टीम के बीच 11 सितंबर को खेला जाएगा। जो टीम इन मुकाबलों में बेहतर खेलेगी वही कहलाएगा एशिया कप का असली बादशाह। दोस्तों, अब आप लोगों से मेरा सीधा सवाल है, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए क्रिकेट टुडे टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।